हेलो स्टूडेंट, आई एम चंद्रिका कुमारी फ्रॉम मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमा। लेसन नंबर टू, लेट्स लर्न प्राणायाम। अब हम प्राणायाम सीखे, प्राणायाम कैसे करते हैं वो आज हम इस लेसन में सीखेंगे कि और प्राणायाम क्या होता है। देखो ये सब अलग अलग पोजेज में क्या करें, ये सब प्राणायाम कर रहे हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। तो शिवम और नितिन क्लास कक्षा 5 के छात्र थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन वे सुबह जल्दी उठे। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग, वह एक सुहावनी या सुखद सुबह थी। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वे सुबह सैर करने के लिए बगीचे में गए। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क, उन्होंने वहाँ पे अनेक लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क, कि उनमें से कुछ लोग बगीचे के चारों तरफ दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज, कि कुछ लोग बगीचे के बीचों बीच, मिडल मीन्स क्या होता है बीच, कि कुछ लोग बगीचे के बीच में अलग अलग पोजेज में बैठे थे, अलग अलग स्थिति में बैठे थे, अलग अलग पोजेज में बैठे थे। शिवम वंडरेड व्हाट दे वर डूइंग, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, कि शिवम जानने को उत्सुक था कि वो सब क्या कर रहे हैं। दोनों मित्र वहां उनके पास गए। देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंट्रक्शन। इंट्रक्शन मीन्स होता है निर्देश, इंट्रक्शन मीन्स होता है निर्देश। तो वहाँ पे एक योगा टीचर थे जो उनको निर्देश दे रहे थे। ही सेड माय फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास, के उन्होंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों आज हम प्राणायाम सीखेंगे, आज हम योग कक्षा में प्राणायाम सीखेंगे। वॉट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, समबड़ी आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि एक व्यक्ति ने पूछा कि प्राणायाम क्या है, वॉट इज प्राणायाम। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्टेंशन ऑफ द ब्रेथ, बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट, मतलब प्राणायाम हमारी सांस को कंट्रोल करता है। प्राणायाम करने से हमारी जो सांस है वो कंट्रोल में रहती है, और इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी सांस, मतलब जो ब्लड प्रेशर वगैरह सांस लेने में अपन को प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट, रिड्यूसेड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इसके करने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत लाभ हैं। बेनिफिट्स मतलब क्या होता है, फ़ायदे या लाभ। इट स्लो डाउन हार्ट रेट, रेड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, मतलब इसको करने से, प्राणायाम करने से हमारी जो हार्ट रेट वो होती है ना वो भी कम रहती है, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, और हम तनाव रहित, मतलब तनाव से मुक्त होते हैं, हमें टेंशन नहीं होता इतना। उसको ने मतलब प्राणायाम करने से हमारा दिमाग भी फ्री, मतलब रिलैक्स, मतलब फ्री रहता है। प्राणायाम इंक्रीजेस अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब प्राणायाम करने से हमारी जो जीवन की उम्मीद होती है ना वो बढ़ती है। इसको करने से अपन बीमार भी कम होते हैं। प्राणायाम शुड बी डन ऑन
empty stomach. Pranayama should be done on an empty stomach, preferably in the morning. कि प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए. प्राणायाम हमें सुबह करना चाहिए, वो भी खाली पेट करना चाहिए. यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील. ये हमें आप इसको शाम को भी कर सकते हो, लेकिन खाना खाने ये प्राणायाम आप शाम को भी कर सकते हो, लेकिन अपन को खाने के मतलब खाने के बाद जस्ट बाद नहीं करना चाहिए, इसको 4 घंटे बाद करना चाहिए. 4 आवर्स मीन्स क्या होता है, 4 घंटे बाद. जैसे अपन ने दोपहर का खाना खा लिया, उससे उसके 4 घंटे बाद शाम को अपन प्राणायाम कर सकते हैं, सीधा खाना खाने के बाद नहीं करना है. शिव में नीटिंग गोट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. शिवम और नितिन ने उस ग्रुप में शामिल हो गए. शिवम और नितिन को उसमें मतलब जो ये प्राणायाम करे तो उसमें रुचि हुई, वो उसको उनको करना वो अच्छा लगा, प्राणायाम करना उनको अच्छा लगा, तो वो उस ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. तो वो उस ग्रुप में शामिल हो गए, समूह में शामिल हो गए योगा उनकी परमिशन से, मतलब योगा टीचर की परमिशन लेके इजाजत लेके उस ग्रुप में शामिल हो गए, क्योंकि उनको ये प्राणायाम करना अच्छा लग रहा था. द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. अब टीचर स्टेप बाई स्टेप कैसे प्राणायाम करते वो उनको सिखाना शुरू कर दिया. आज हम इतना ही करेंगे, ये स्टेप है ना प्राणायाम वाले वो हम आगे करेंगे. आज आपको इतना ही करना है. आज का होमवर्क है आपका, आपको लेसन नंबर 2 लिखना है और लेसन का नाम लिखना है, फिर आपको ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में करनी है. ये आपको अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग करनी है, होमवर्क में आपको ये काम करना है.